हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने मोबाइल से शूट किया था, गोप्रो से शूट करा था। तो कितना काफ़ी मतलब डिसाइड करने के बाद मैं एक डिसीज़न लिया जहाँ पे मैं सोचा कि व्लॉगिंग कैमरा, जहाँ पे अच्छा कैमरा हो लेने मतलब वीडियो शूट के लिए, फ़ोटो के लिए। तो उसके बाद मैंने काफ़ी डिसाइड करने के बाद मैंने एक कैमरा डिसाइड किया जो आप देख रहे हो मेरे पास। ये है कैनन EOS M550 Mark II। सो फिलहाल मैंने ये कैमरा लिया है मेरे ब्लॉगिंग के लिए, फ़ोटो के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए। तो इसको आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके साथ साथ मैंने काफ़ी एसेसरीज़ भी लिए जो कि कंपलसरी है, इन्होंने सजेस्ट किया। ये कैनन का शॉप है, प्रॉपर कैनन का रजिस्टर्ड शॉप है। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं अपने इसका जो भी डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा और कहाँ पे ये थाने में वेस्ट में कहाँ पे ये भी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया अगर आप कैमरा ले रहे हो तो उसके साथ ये स्क्रीन गार्ड लेना ज़रूरी है जो इन्होंने मेरे को दिया। ये स्क्रीन गार्ड है और प्लस एक यूवी फिल्टर का स्क्रीन है जिसके वजह ग्लास है जो आप कैमरे के स्क्रीन के जो लेंस है उसके आगे लगाने के लिए, तो जिससे आपका लेंस ख़राब ना हो और वीडियो की क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो फिलहाल ये लिया। उसके बाद मैंने, आपको पता है अगर आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हो या कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो तो उसके अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके बाद आप मतलब आपको सुनते फिर उसके बाद डिसाइड करते क्या चीज़ है वो। तो ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज़ को आप मतलब कम करने के लिए मैंने एक माइक भी लिया है जो आप देख रहे हो। ये एक यूनिवर्सल माइक है, फिलहाल मैं इसे अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकता हूँ, गोप्रो में भी यूज़ कर सकता हूँ और जो मैंने कैमरा लिया है उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ मैंने लिए। उसके साथ मेरे को एक बैग, जो एक कॉम्पैक्ट बैग है जो कैरी करने के लिए, कैमरा इतना कॉस्टली आप ले रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बैग मैंने लिया। ये वाले जो कॉम्पैक्ट बैग है जिसको आप कहीं भी इजीली मतलब छोटा सा बैग है जिसके अंदर आप कैमरा यूज़ कर मतलब रख सकते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह रख सकते हो। और एक मेमोरी कार्ड लिया जो मिनिमम रिक्वायर है 64 GB का हाई स्पीड, जो आपकी जितना हाई स्पीड रहेगा उतना आपकी वीडियो क्वालिटी में लैग वगैरह नहीं आएगा। तो ये फिलहाल मैंने एसेसरीज लिए। अब हम चलते हैं कैमरा को अनबॉक्स करने के लिए। मैं उनसे हेल्प लेने वाला हूँ अनबॉक्सिंग के लिए, बहुत डेलिकेट लग रहा है मेरे को आखिर में इतना पैसा स्पेंड करने के बाद, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ वही अनबॉक्स करे और मेरी हेल्प करे इसको ओपन करने के लिए। तो इनका नाम मुकेश है, आप देख सकते हो इन्हें, इनका ये शॉप आप ही देखते हो, मैं स्टोर देखते हैं, ये स्टोर देखते हैं। तो इनका भी डिटेल्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, शॉप का डिटेल्स भी और सारा एड्रेस भी जैसे मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं एक नई चीज़। ये तो हैप्पी बर्थडे जैसा हो गया, एक बोलते ना नाइफ और केक कट रहे वैसा। हाँ ये यूज़र मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल आप देख रहे हो मेरे हाथ में, कैसे यूज़ कर रहे हैं कैसे क्या करते हैं सारी डिटेल्स इसके अंदर शेयर किया हुआ है यूज़र मैनुअल के अंदर। प्लस ये वारंटी कार्ड है ना, ये रहा वारंटी कार्ड इसका, सॉरी कैमरे का वारंटी कार्ड, इसे संभाल के रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल है अगर आपका कुछ कैमरे को होता है तो। ये क्या है, एनरोल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कैसे फोटोशूट वीडियो शूट करते हैं वो भी। ठीक है, चार्जिंग केबल है। सो मेरा ये आप देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट कैमरा है, ये मेरे फार्म के अंदर समझ जाता है मतलब किधर भी आप कैरी कर सकते हो और एकदम एडवांस कैमरा है। तो फिलहाल मैंने ये चूज़ किया है, इसका रिव्यू मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। फिलहाल हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको चालू करके देखते हैं। ये स्ट्रैप है आपके कैमरा को लगाने के लिए जो ईजिली आप अपने नेक में कैरी कर सकते हो। ठीक है, चार्जर, ये इसका चार्जर है और ये बैटरी, दो बैटरी में से एक ही, एक बैटरी कितना लास्ट करता है 35-40 मिनट। इसका एक्स्ट्रा बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी आता है 3000। इसका एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जिंग करने के लिए बैटरी निकालना पड़ता है कि आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो? हाँ, आपको बैटरी निकाल के चार्ज करना है, ये चार्जर। ओके, और ये लेंस है 15-45 वाइड एंगल लेंस।
ये वाइड एंगल लेंस है फिलहाल व्लॉगिंग के लिए, ये लेंस काफ़ी हो गया। अगर आपको फोटोशूट वगैरह करना है तो डिफरेंट टाइप का लेंस लेना पड़ता है। फोटो इसमें अच्छा आएगा नो डाउट, उसके लिए अच्छा लेंस है, बट अगर और कोई एक्सप्लोर करना है आपको, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना है, फैशन फोटोग्राफी करना है, तो उसके लिए लेंसेस अलग अलग है। ओके, सो इसको आप लगाओ, मैं इनसे हेल्प लूँगा, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना। सबसे पहले ये आपको कैप रिव्यू करना है, घुमा मेरे साइड घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज। यस, ये ज़्यादा एक सेंसर है, हाँ ये सेंसर ज़्यादा ओपन रखना नहीं, क्योंकि उसके अंदर अगर डस्ट, यस, अटैच करने के लिए वाइट डॉट और ये वाला वाइट डॉट मैच करना है आपको। मैच करने के बाद एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज घुमाना है, आपकी साइड घुमाना है, बस लॉक हो गया, मतलब आवाज़ हो गया, मतलब लॉक लॉक हो गया। ओके, मतलब आवाज़ है टिक करके, मतलब लॉक हो गया। और ये वाला बटन प्रेस करके, यहाँ पे एक बटन है, ये प्रेस करके मेरे साइड यानी एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमाना है लेंस को। ओके, ये बटन को प्रेस करके एंटी क्लॉक वाइज घुमाना, नहीं घूम रहा है, लेंस निकल गया है। अच्छा, मतलब लेंस तो ओके ओके, ये एक ट्रेनिंग था मेरे लिए, इसको प्रेस करके लेंस आप रिमूव कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये आप डॉट देख रहे हो, डॉट मैच करके, जो फर्स्ट टाइम, जैसे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ये डॉट मैच करके ही आपको इंस्टॉल करना है लेंस। और देखो ये आपको आवाज़ सुनाई दिया, मतलब हो गया निकलना है, तो ये प्रेस करके एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। केयर भी क्या करना है वो भी बता दें। हाँ, केयर क्या करना है, जैसे कि ज़्यादा टाइम ओपन रखना नहीं, हाँ ज़्यादा टाइम ओपन भी नहीं रखना है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल गए तो फिर आपके कैमरा डैमेज हो जाएगा, इमेज के ऊपर आएंगे। ओके, तो ये कवर है लेंस का, ये लेंस का कवर है, उसके ऊपर हम लोग यूवी फिल्टर लगाते हैं। ओके, सो जो मैंने आपको बोला था एसेसरीज यूवी फिल्टर का, वो मैं इसमें लगा रहा हूँ, मैंने मतलब वही लगा रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। इसको कभी निकालना नहीं ना, वैसे ही नहीं, नहीं आप डस्ट अगर बैठता है तो आप निकाल के क्लीन कीजिएगा, वापस लगा सकते। यस, इसके ऊपर कवर लगा सकते क्या? हाँ, उसके ऊपर क्या था, सो ये कवर भी लगा सकते उसके बाद। अभी इसमें हम लोग लगाने वाले स्क्रीन गार्ड, बैटरी देखो ओरिजिनल कैन, ये बैटरी जब भी आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे बैटरी चेंबर है, उसको ओपन करना है, और उधर ही मेमोरी कार्ड की, हाँ मेमोरी कार्ड कैसे, बैक साइड पे आप देख रहे हो पीछे उसका चेंबर है, बैटरी का और मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड कैसे इंसर्ट करना है वो भी दिया हुआ, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में इंसर्ट करना है, प्रेस करना है जस्ट, और प्रेस करके निकालना। ओके, ये बैटरी ये लॉक है, फिर बैटरी ऊपर आएगी, इसमें चार्ज होगी, चार्ज होगी। लेंस जब भी आप कैमरा यूज़ करते हो, लेंस ओपन करने के लिए ये लॉक है एक्चुअली, ये थोड़ा पुश करना है आपको, जैसे ही आपने पुश किया फिर इसको ट्विस्ट करना है। ओके, क्लॉक वाइज तो लेंस ओपन हो जाएगी, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये अगर बंद रहती है तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लॉक है। ओके, सो आप समझ रहे लेंस का भी फीचर्स है इसमें, लॉक अनलॉक है, जब तक अनलॉक नहीं करते तब तक आपका कैमरा चालू नहीं होगा। यस, ये अभी लॉक है, पुश करना है फ्रंट साइड में और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, क्लॉक वाइज घुमाना है, और बंद करने के टाइम पे वापस आगे करके एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है तो बंद हो जाएगी। ओके, ये स्क्रीन जो है इस एंगल में फ्लिप होती है, ये अभी फिलहाल बंद है, ओपन किया, टर्न किया, ओके कैमरा ऑन किया हम लोगों ने, आज 22nd, बहुत सारे फीचर्स है सीखना बाकी है।
उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ये देख अगर लेंस अगर लॉक है तो ऐसा मैसेज आएगा यहाँ पे कि लेंस आपका लॉक है, तो उसको पहले आप ओपन कर ओपन कीजिए, फिर ये वो मैसेज चला जाएगा। मैसेज जाने के बाद फिर ऐसी स्क्रीन आपको व्यू होगी। गॉट इट। फ्लैश आप यहाँ से मैन्युअली ओपन कर सकते हो, अगर आपका कैमरा ऑटो मोड पे है फ्लैश को आपको मैन्युअल ओपन करना है। उसको अगर रिक्वायर्ड रहेगी तो फ्लैश फायर होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं फायर होगा। और ये जो व्यू फाइंडर है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, ये आप स्क्रीन देख रहे हो, अगर आपने यहाँ पे सेंसर पे टच किया, यहाँ पे सेंसर है, टच किया तो ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन, ये वाली बंद हो जाती है और यहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ये परमानेंट बंद रखना है तो उसमें भी ऑप्शन है, बट ये ऑटो पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आप वर्क करेगा प्रोग्राम या फिर बाकी वाले मोड्स जो आगे वाले, उस पर ऑप्शन दिया हुआ है इन्फो बटन, अगर आप प्रेस करते हो तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, यहाँ पे दिखेगा आपको। तो उसके क्या होगा, आपकी बैटरी सेव रहेगी। अभी फिलहाल बैटरी लो का इंडिकेटर आपको यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो फुल चार्जिंग के कभी होता है फुल चार्ज आपको, ये बैटरी अभी फिलहाल लो है, इसी ये चार्जर में आपको चार्ज करना है। चार्ज होने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। सिर्फ आपको केयर करना है कि बैटरी ओवरनाइट चार्ज रखना नहीं है, जैसे रात को लगा के सुबह वैसा नहीं करना। यहाँ पे चार्ज एंड फुल का इंडिकेशन आपको बता देगा, चार्ज होने के टाइम पे ऑरेंज कलर और फुल होने के बाद ग्रीन कलर एक सिग्नल लाइट लाइट आएगी। और ये केबल है यहाँ पे लगेगी, एक अपने प्लग में जाएगी। ओके, देखो कैनन, इसको बोलते कैनन। पहला फोटो मैडम को खींचता है, मैडम है ना हमारे। इसमें वाईफाई और NFC दिया हुआ है, तो आपको फोटो कैसे शेयर करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन ले लीजिएगा, उसका नाम है कैनन कैमरा कनेक्ट, जो आप इमेजेस क्लिक करोगे डायरेक्टली आपके फ़ोन में आएगा। इवन जैसे आप अभी ब्लॉग कर रहे हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन दिया भी हुआ कि आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कैमरा को कमांड कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया भी हुआ कि आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कैमरा को कमांड। कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉगिंग न्यू कैमरा यहाँ पे शूट करते हुए? ये कैनन स्टोर है मेरे पीछे, देख रहे हो, जहाँ पे आपको कैनन के OG डिवाइसेस मिलेंगे जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप कभी भी इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर कुछ भी डाउट है इन्हें पूछ सकते हो, तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे। जैसे फिलहाल तो इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया, देखते हैं अभी आगे भी कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल बैटरी डाउन है, इसको हम लोग चार्ज करेंगे फिर इसको यूज़ करेंगे। रिव्यू आपको मैं इसका अगले वीडियो में शेयर करूँगा। सो गाइस जैसे आपको मैंने दिखाया इसका अनबॉक्सिंग, कैनन का अनबॉक्सिंग, सारे इसके एसेसरीज, इंस्टॉलेशन और कैसे यूज़ करते हैं, इसके रिव्यू जैसे मैंने आपको बोला अगले इसमें मैं शेयर करूँगा, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। फिलहाल मैं इसमें सीखूँगा और R&D करूँगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।